जय हिंद दोस्तों, एजुकेशन टेक्नोवर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आइसरो सतीश धवन स्पेस सेंटर सार श्री हरिकोटा के बारे में, जिसका एग्ज़ाम डेट जो 4/6/2022 को होना है। उसका जो एडमिट कार्ड है एक्टिवेट हो चुका है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 20/5/2022 को इसका ई एडमिट कार्ड एक्टिवेट होना था, जो कि हो चुका है। ठीक, उसको कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में बात करेंगे, और जिन कैंडिडेट को यूजर आईडी नहीं पता है उसके बारे में चलिए पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपको फिर कैसे डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड को उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको यहां दिख रहा है, क्लिक हेयर टू डाउनलोड लिस्ट ऑफ स्क्रीनिंग इन कैंडिडेट ऑफ रिटर्न टेस्ट। जिन जिन को एग्ज़ाम देना है उसका स्क्रीनिंग का जो नाम कैंडिडेट का है वहाँ पर आपको इसमें क्लिक करना होगा। जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे जिनका एग्ज़ाम देना है वहाँ पर शो कर देगा। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक लिस्ट डाउनलोड हो जाएगा जो सब कैंडिडेट का नाम होगा, और इसी के जस्ट बगल में ही रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जो कि यही यूजर आईडी नंबर है। जिन जिन कैंडिडेट का अगर यूजर आईडी नहीं पता है तो इसी तरह आपको डाउनलोड करके अपना यूजर आईडी पता कर लेंगे। फिर इस यूजर आईडी को कहाँ उपयोग करना है उसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। वापस इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे जहाँ से आपको ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक, इसमें जो यहाँ लिखा क्लिक है टू डाउनलोड द ई एडमिट कार्ड, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो एक और नया विंडो खुल के आएगा। आपको लॉगिन आईडी, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा को डाल के लॉगिन में क्लिक करना होगा, और लॉगिन आईडी आपके ईमेल आईडी पर आ गया होगा नया, जो कि लॉगिन आईडी है उसको ही यूज़ करना है। इस लॉगिन आईडी में जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको यूज नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही लॉगिन में क्लिक करेंगे तो इसमें आपको एक नया विंडो खुल के आएगा जो इस प्रकार होगा, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल्स शो करेगा। ठीक, पर्सनल डिटेल्स शो करेगा और उसी के जस्ट बगल में ई एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिया होगा, उसी पे क्लिक करेंगे। जैसे ई एडमिट कार्ड पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें लिखा है सतीश धवन 4 जून 2022, यानी 4 जून को आपका एग्ज़ाम होगा, और कौन सा सेंटर, यहाँ सेंटर शो कर देगा और किस डेट को है और वहाँ का टाइमिंग, ठीक, ये भी शो कर देगा। ठीक, और ये एक कैंडिडेट का है जिसका 4:30 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक इनका पेपर होगा। और ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करके यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ई एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन है और आपको मिलता रहेगा। और जिन कैंडिडेट का ईमेल आईडी पर जो नया जो यूजर आईडी नहीं आया है तो आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर, जो रजिस्ट्रेशन नंबर के जस्ट पीछे 01/2019 लिखना होगा, उसके बाद आप लॉगिन करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा।